कैच मैं नाम अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने घर पर एक असेंबल सीपीयू तैयार कर सकते हैं और यहाँ पे 7 से 8 हज़ार की लागत में जो है आप अपने घर पर कैसे एक कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सीखते हैं कि आप कैसे अपने घर पर एक असेंबल सीपीयू तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है वो है हमारा मदरबोर्ड, जिसके ऊपर की हमारा रैम और जो है प्रोसेसर होगा। तो यहाँ पे हमारा होगा प्रोसेसर और यहाँ पे हम जो है 2 रैम लगा सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा दूसरा कंपोनेंट है वो है हार्ड डिस्क। तो आप जो है अपने अनुसार से हार्ड डिस्क ले सकते हैं, आप ये जो है 500 GB 1 TB जो है अपने अनुसार से किसी भी साइज़ का हार्ड डिस्क ले सकते हैं। और जो है अगर आपके पास 2 हार्ड डिस्क है तो आप जो है उसे इससे केबल से कनेक्ट करके दोनों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल जो मैं यहाँ पे एक ही हार्ड डिस्क का यूज करूँगा अपने सीपीयू के अंदर। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट आता है वो है हमारा रैम। तो आप जो है किसी भी साइज का रैम ले सकते हैं अपने अनुसार से, आप जो है आपको जो ज़रूरत हो आप उन उस साइज का रैम जो है ख़रीद सकते हैं। तो इस रैम हो गया। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है सीपीयू को ठंडा करने के लिए एक फ़ैन, जो कि हमारे प्रोसेसर के ऊपर होगा और हमारे प्रोसेसर को ठंडा करेगा। तो इस ये जो है हमारा फ़ैन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो है प्रोसेसर। तो आपको जो है ये प्रोसेसर जो होगा ये मदरबोर्ड के ऊपर होगा, तो आपको जो है एक प्रोसेसर लेना है। तो इसका ये जो है कंप्यूटर के सभी चीज़ों को प्रोसेस करता है, तो आप जो है कोई भी अच्छा सा प्रोसेसर। इसके बाद ये पावर सप्लाई है जिससे कि हम अपने सीपीयू के सभी कंपोनेंट को पावर देंगे। तो इसका यूज करेंगे हम सीपीयू के सभी कंपोनेंट को पावर देने के लिए इस सभी वायर के थ्रू। और पीछे आपको जो है यहाँ पे है, यहाँ पे आप जो है आपने इस पावर सप्लाई को पावर जो है आप इस पिन से देंगे। इसके बाद ये है बॉक्स जिसमें कि सभी सीपीयू का सभी कंपोनेंट फिट होगा। तो आपको जो है इस तरह का ये बॉक्स मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो है पहले से USB केबल और पावर बटन वो सब जो पहले से होगा और उसका जो यहाँ पे वायरिंग पहले से किया होगा। तो यहाँ पे जो है ये हमारा है USB केबल और जो है यहाँ पे पावर बटन है और यहाँ पे रिस्टार्ट का बटन है। तो ये सभी का जो वायरिंग यहाँ पे पहले से किया होगा। तो अब आपको जो है सिंपली ये इसका वायरिंग है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी का वायर है। ये है रीसेट पावर का केबल, ये है फिर आपको LED का केबल। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे आप जो है और भी, तो इसको जो है हमें यहाँ पे मदरबोर्ड पे लगाना है, मदरबोर्ड पे इन सभी वायर को जो है मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारे पास है ऑडियो केबल। तो इससे ऑडियो जो इस ऑडियो को हम जो है मदरबोर्ड के ऑडियो पोर्ट में जोड़ते हैं, ऑडियो केबल को हम यहाँ पे और मदरबोर्ड के ऑडियो पोर्ट में जोड़ते हैं जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एक पिन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिन बीच में नहीं है। तो आप जो है यहाँ पे मदरबोर्ड के पिन में भी देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक पिन वहाँ पे नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो है मिला के इसे सीधा करके इसे इसके ऊपर जो है लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे लगा देता हूँ इस ऑडियो पोर्ट के अंदर। फिर आपको जो है इसे ये हमने लगा दिया। फिर आपको जो यहाँ पे USB को जो है USB केबल को जो है लगाना है, तो मदरबोर्ड के साथ ये USB का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं USB का जो पोर्ट है ये उसका केबल है। तो इसे हमें जो है यहाँ पे लगाना है मदरबोर्ड पर। तो यहाँ पे आप मदरबोर्ड पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 USB का पोर्ट है, तो आप इन दोनों में से किसी में भी इसे लगा सकते हैं। तो अब हम जो है इसे इन दोनों में से किसी में यहाँ पे इसे लगा देते हैं। तो आप जो है इस तरह से इसे लगा दीजिएगा। तो ये हमारा ऑडियो
केबल और जो है यूएसबी केबल दोनों जुड़ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे एलईडी के लिए और रिस्टार्ट के लिए और फिर आपको जो है पावर बटन के लिए यहाँ पे कुछ पोर्ट है जो यहाँ इस जगह पे लगेंगे। तो इस सब को हम जो है बाद में कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये सब जो वायर जो है एक साथ यहाँ पे लगेंगे, तो इसे हम बाद में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेसर है, तो इसे हमें जो है मदरबोर्ड के यहाँ पर हमें इस प्रोसेसर को लगाना है। तो हम यहाँ पे इसी के लॉक को ऊपर करते हैं इस तरह से, आप जो है इसके लॉक को ऊपर कर सकते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसेसर को फिट करना है। तो यहाँ पे आप प्रोसेसर में देखेंगे प्रोसेसर के ऊपर यहाँ पे एक कट है, तो आप जो है यहाँ पे एक कट है और प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर भी देखेंगे कि जहाँ पे मदरबोर्ड फिट होगा वहाँ पे भी यहाँ पे होल जो है यहाँ पे होल की जगह एक कट है। तो आप जो है इस तरह से इसे मिला करके जो है एक समान इस कट को एक समान मिला करके जो है इसके ऊपर जो है इस तरह से फिट कर दीजिएगा। तो ये हमारा फिट हो चुका है। उसके बाद हम जो है यहाँ पे हैंडल को नीचे करके इसे लॉक कर देते हैं। तो ये हमारा ये इसके अंदर लॉक हो चुका है, प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर फिट हो चुका है। अब जो है प्रोसेसर के ऊपर हमें फ़ैन लगाना है ताकि हमारा प्रोसेसर ठंडा रह सके। तो हम यहाँ पे जो है इस फ़ैन का यूज करेंगे प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। तो इसके ऊपर हम इसे इस तरह से लगा देते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 पिन वाला एक वायर है, 3 वायर वाला एक पिन है। तो इसे हम जो है मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हमारे फ़ैन को पावर मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर इसे जो है आपको कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हम इसे के ऊपर इसे कनेक्ट कर देते हैं और फिर आपको जो है अपने इस फ़ैन को यहाँ पे लॉक करना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 पिन है जिससे कि हम इसे लॉक करेंगे। तो आप जो है इस तरीके से इस तरह आपको फंसाना है, इस तरीके से आप जो इसे लॉक कर दीजिएगा। और यहाँ पे हम दूसरे साइड से इसे लॉक करते हैं। तो इस तरह से ये लॉक हो चुका है। अब हम इसी तरह से यहाँ पे तो ये लॉक हो चुका है, इसी तरह से हम यहाँ पे दूसरा लॉक लगाते हैं। तो ये हमारा दूसरा लॉक भी यहाँ पे लग चुका है। अब जो है हमें यहाँ पे अपने मदरबोर्ड के ऊपर रैम को लगाना है। तो आप जो है यहाँ पे साइड में आपको लॉक होगा तो उसे आपको हटा देना है। तो दोनों लॉक को हमने हटा दिया। उसी के बाद हम जो है आप जो है यहाँ पे इसे इस तरह से फिट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 रैम है तो आप दोनों में इस तरीके से यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो ये अगर आप उल्टा लगाते हैं तो ये जो ऑटोमेटिक अपने आप नहीं लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा ये उल्टा है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पे अगर आप इसे सीधा लगाएंगे तो ही ये यहाँ पे फिट होगा। तो आप जो है यहाँ पे इसे अपने अनुसार से फिट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉक को दोनों साइड से लगा दीजिएगा। तो ये हमारा जो है रैम मदरबोर्ड के ऊपर लग चुका है। अब आपको जो है यहाँ पे वोल्ट लगाकर जो है मदरबोर्ड को यहाँ पे फिक्स कर देना है। अब जो है हमें यहाँ पे हार्ड डिस्क लगाना है। तो यहाँ पे ये हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे फिट होगा। तो इस हार्ड डिस्क को जो है हम फिट करते हैं इसके अंदर इस तरीके से और यहाँ पे हम इसे दोनों वोल्ट लगाकर इसे टाइट कर देते हैं। तो ये हमारा हार्ड डिस्क फिट हो चुका है। अब हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये पिन है, तो आप यहाँ पे ये पिन देख सकते हैं। इसके बीच में एक यहाँ पे पिन नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे भी मदरबोर्ड के ऊपर देखेंगे यहाँ पे जो है एक पिन नहीं होगा। तो आप जो है इस तरीके से इसे मिलाकर इसके ऊपर इस जो है इसे लगा दीजिएगा। इसे लगाने के बाद आपको जो है तो यहाँ पे ये सब कंपोनेंट लग चुका है। अब जो हमें इस सभी को पावर देना है, तो यहाँ पे जो है ये पावर सप्लाई को जो है इस यहाँ पे हमें फिट करना है। तो इस पावर सप्लाई को हम यहाँ पे फिट कर देते हैं और यहाँ पे बाहर वाले तो इस तरीके से हम यहाँ फिट कर देते हैं। उस बाहर वाले साइड में हम यहाँ पे वोल्ट से इसे यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाएगा।
तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे अपने हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए और मदरबोर्ड का पावर देने के लिए जो है पिन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 वायर वाला एक पिन होगा, तो उसे हम की जो है यहाँ पे लगाना है मदरबोर्ड के ऊपर। तो हम यहाँ पे इसे लगा देते हैं लॉक वाले साइड से। तो यहाँ पे हमने इसे लगा दिया। इसके बाद आपको और एक पिन है जो आपको मदरबोर्ड के ऊपर लगाना है ये, तो आपको जो है इसे भी यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारे मदरबोर्ड को पावर मिल चुका है। इसके बाद जो है आपको अपने हार्ड डिस्क को पावर देने के लिए इस पिन को, जो ये है पिन है 4 वायर वाला, इसे जो है आपको हार्ड डिस्क पर लगाना है, तो जिससे कि हार्ड डिस्क को भी पावर मिल सके। तो ये हमारा जो है हार्ड डिस्क में भी ये पिन लग चुका है। तो और जो है ये सब पिन सीडी रोम के लिए है, जो कि तो ये सब पिन जो है सीडी रोम के लिए है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें सीडी रोम नहीं। अब जो है हमने जो पिन जो पहले छोड़ा था एलईडी पोर्ट एलईडी के लिए और जो है पावर बटन के लिए, तो हम उसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैं जो इसे किस तरीके से लगाता हूँ। तो सबसे पहले वाले पिन में आपको पावर एलईडी का पॉजिटिव वाला लगाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले पिन में पावर एलईडी का यहाँ पे पॉजिटिव वाला पिन को आपको लगाना है। इसके बाद आपको पावर एलईडी का नेगेटिव वाले पिन को इसके बाद लगाना है, जस्ट इसके बगल में। इसके बाद आपको पावर स्विच का जो है पिन लगाना है। पावर स्विच का पिन आपको जो है इसके बगल में यहाँ पे आपको इस लगा देना है। तो यहाँ पे एक लाइन में आपको ये तीनों हो चुका है, पावर एलईडी और पावर स्विच दोनों का यहाँ पे वायर लग चुका है। अब आपको दूसरे साइड में लगाना है। तो दूसरे साइड में आपको HDD एलईडी का पिन सबसे पहले लगाना है। तो यहाँ पे हम ये पिन लगा देते हैं, और ये पिन लगने के बाद आपको इसके बाद वाले पिन में आपको यहाँ पे लगाना है रीसेट स्विच का वायर। तो यहाँ पे आपको रीसेट स्विच का ये है, इसे आपको जो है सबसे लास्ट में यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे मैं इसे लगाता हूँ। तो ये हमारा चारों लग चुका है। अब जो है हमारा ये CPU तैयार हो गया है। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप अपने घर पर एक असेंबल CPU आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।